मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले कुछ ऐसे दिखते थे मिथुन चक्रवर्ती, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 73 वर्ष के हो चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। जैकी श्रॉफ। वहीं अगर हम बात करें जैकी श्रॉफ के बारे में, तो पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 66 वर्ष के हो चुके हैं जैकी श्रॉफ। शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 77 वर्ष के हो चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अमिताभ बच्चन। वही अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 81 वर्ष के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन। रजनीकांत। वहीं अगर हम बात करें रजनीकांत के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रजनीकांत पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 72 वर्ष के हो चुके हैं रजनीकांत। धर्मेंद्र दियोल। वहीं अगर हम बात करें धर्मेंद्र दियोल की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 87 वर्ष के हो चुके हैं धर्मेंद्र दियोल। प्रेम चोपड़ा। वहीं अगर हम बात करें प्रेम चोपड़ा के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 88 वर्ष के हो चुके हैं प्रेम चोपड़ा। आशरानी। वहीं अगर हम बात करें आशरानी के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आशरानी पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 82 वर्ष के हो चुके हैं आशरानी। शक्ति कपूर। वहीं अगर हम बात करें शक्ति कपूर के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शक्ति कपूर पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 70 वर्ष के हो चुके हैं शक्ति कपूर। गुलशन ग्रोवर। वहीं अगर हम बात करें गुलशन ग्रोवर के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 67 वर्ष के हो चुके हैं गुलशन ग्रोवर। परेश रावल। वही अगर हम बात करें परेश रावल के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, परेश रावल पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 68 वर्ष के हो चुके हैं परेश रावल। नाना पाटेकर। वहीं अगर हम बात करें नाना पाटेकर के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 72 वर्ष के हो चुके हैं नाना पाटेकर। नसीरुद्दीन शाह। वही अगर हम बात करें नसीरुद्दीन शाह के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 73 वर्ष के हो चुके हैं नसीरुद्दीन शाह। जॉनी लीवर। वही अगर हम बात करें जॉनी लीवर के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 67 वर्ष के हो चुके हैं जॉनी लीवर। संजय दत्त। वही अगर हम बात करें संजय दत्त के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे संजय दत्त, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 67 वर्ष के हो चुके हैं संजय दत्त। रंजीत बेदी। वहीं अगर हम बात करें रंजीत बेदी के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 82 वर्ष के हो चुके हैं रंजीत बेदी। डैनी डेंजोंगपा। वहीं अगर हम बात करें डैनी डेंजोंगपा के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे डैनी डेंजोंगपा, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 75 वर्ष के हो चुके हैं डैनी डेंजोंगपा। पुनीत इसार। वहीं अगर हम बात करें पुनीत इसार के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 63 वर्ष के हो चुके हैं पुनीत इसार। मुकेश खन्ना। वहीं अगर हम बात करें मुकेश खन्ना के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मुकेश खन्ना पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 65 वर्ष के हो चुके हैं मुकेश खन्ना। जितेंद्र कपूर। वहीं अगर हम बात करें जितेंद्र कपूर के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले कुछ ऐसे दिखते थे जितेंद्र कपूर, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 82 वर्ष के हो चुके हैं जितेंद्र कपूर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।